Hi guys, welcome back to the channel. So today we are going to show you how to install a LED indicator in our Wagman. So ये कोई अलग इंडिकेटर नहीं है, आप जो भी वायर हैंडल में इंडिकेटर यूज़ करते हैं वही इंडिकेटर. सो कैसे इंस्टॉल करते हैं आगे देखिए. सो सैटेलाइट में जैसे कि अपने जो लाइट देखा उसके लिए आपको एक लाइट पड़ेगा. ये दूसरा लाइट में लगा के यूज़ कर चुका हूँ, उसके बाद ही वीडियो मैं लाया हूँ. सो ये लाइट जो हैंडल वायर पे आप लोग लगाते हैं, और करना आपको ये है कि इसके रेड वाली जो वायर है इसे एक्सटेंड कर लेना है. वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्यों करना है. और दूसरा आपका साइड लाइट जो कि टर्निंग लाइट में लगा रहता है वैगमैन का, वो खोल लेना है. कैसे खोलना है वो भी मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा. दो प्लास्टिक का कट्स लेना है, प्लास्टिक नॉर्मल कोई भी डब्बा वगैरह का प्लास्टिक वगैरह काट के उसका काट लें, और दो ऐसे वाशर टाइप सा बना लें क्योंकि यहाँ पर सेट हो जाए. और कैसे इसको प्रोसेस करना वो भी मैं आगे आपको दिखाता हूँ. और आपको एक हेयर ड्रायर ले लेना है. हेयर ड्रायर इसलिए क्योंकि यहाँ पे सीलेंट लगा रहता है इस कारण से छूटेगा नहीं, और हेयर ड्रायर के यूज से ही ये छूटेगा क्योंकि साइड में गर्म करना पड़ता है और सीलेंट धीरे धीरे मुलायम हो जाता है, उसके कारण से ये ईजिली आपका बाहर आ जाएगा. कैसे करना मैं करके दिखाता हूँ. ये आपका साइड लाइट ले लेना है और हेयर ड्रायर को पूरा टेम्परेचर पर चालू कर लें, फिर पूरा हीट ज़्यादा दें और रेगुलर इसको हवा मारते रहें. हवा मारने से ये होगा कि ये मुलायम हो जाएगा, मुलायम होने से ही ये निकलेगा. तो रेगुलर पूरा हीट करते रहें. ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते इसको बाहर कर लेना है. और यहाँ पे आपको लॉक दिख रहा होगा, सबसे पहले लॉक को हटा लेना है क्योंकि लॉक हटाएगा नहीं और इजी निकलेगा नहीं. तो धीरे धीरे इसे बाहर कर लेना है. सो इस टाइप से आपको इसको अंदर की ओर के कर लेना है, और पैकिंग जो है उसे पैकिंग भी अच्छे से लगा लेना है क्योंकि पानी अंदर जाए ना. और जो मैं प्लास्टिक का जो कटिंग दिखाया था उसको इस टाइप से लाइट में लगा के ऊपर से ऐसे करके लगा लेना है क्योंकि ऊपर से स्लिप ना करें. और ये जो है इसके ऊपर से ये लग जाएगा, वाशर जो है ऊपर से लग जाएगा, और फिर उसके बाद ये ऊपर से नेट कस जाएगा. सो पूरा असेंबली में करके दिखाता हूँ आपको. सो पूरा इस टाइप से आपको पूरे असेंबली को पैक कर लेना है. और जो ये नट आपका ये वाशर के ऊपर जो नट लगा है इसे आप अच्छे से टाइट कर लें, ठीक है, क्योंकि आप टाइट करोगे नहीं गाड़ी वाइब्रेट करेगी इसका खुलने का चांस ज़्यादा रहेगा और फिर से आपको ये पूरा काम करना पड़ेगा. सो इसको अच्छे से टाइट कर लें प्लास वगैरह के हेल्प से, नहीं तो आपके पास कोई टूल हो उसके हेल्प से इसको पूरा टाइट कर लें. और रेड वाली जो वायर है मैं बताएं इसे एक इस वाले वायर को वाइट वाले वायर को एक एक्सटेंड कर लें. जैसा कि आप देख पा रहे होगे मेरे वैगमैन पे जो रेड रैप किया हुआ है वो मैं पहले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ. सो आपको भी इस टाइप का रैप करवाना हो तो आप अर्लियर वीडियो में आप देख सकते हो. सो सबसे पहले हमें फ्रंट नोज़ ओपन करने के लिए दो स्क्रू खोलने पड़ेंगे और ये नोज़ बाहर आ जाएगा. सो ये दोनों स्क्रू खोलने के बाद मैं आपको पूरी वायरिंग दिखा देता हूँ और ये नट जहाँ से खुलेगी वो मैं दिखा देता हूँ. सो ये आपका पहला नट हो गया जहाँ से आपका टर्निंग लाइट खुलेगा, और यहाँ पे साइड में फिर दूसरा नट. सो ऐसे ऐसे करके आपको पूरी नट खोल लेना है, और तीसरा स्क्रू आपको इस बॉडी के पीछे मिलेगा. सो टर्निंग लाइट में लाइट इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको ये दोनों तार कट कर लेना है जो कि आपके होल्डर से लाइट क्योर होके जाता है, और रेड वायर को ब्लैक के साथ और ब्लैक वायर को ग्रीन के साथ टेप कर लें अच्छे से कि शॉर्ट सर्किट ना हो. तो आपका एक रेड वायर लेफ्ट इंडिकेटर के लिए और दूसरा रेड वायर राइट इंडिकेटर के लिए, और जो तीसरा वायर हुआ ब्लैक वाला वो आप बॉडी में भी अर्थ कर सकते हो, नहीं तो बैटरी में भी अर्थ कर सकते हो. सो आपको जहाँ मन करे वहाँ पे भी आप अर्थ कर लो. ये ब्लैक वाला रेड वायर इसे ही आपको कहीं पर भी अर्थ करना बॉडी में या बैटरी में. और जो चौथा वायर हुआ आपका
उसे आपको बैटरी में ना करके इग्निशन में करना है। सो इग्निशन का कनेक्शन इस फ्यूज़ के अंदर 10 एम्पियर का एक फ्यूज़ होगा, उसमें आपको नीचे वाले टर्मिनल में, पहले तो आपको फ्यूज़ बॉक्स खोल लेना, उसके बाद 10 एम्पियर में नीचे वाले टर्मिनल में, ऊपर वाले में टर्मिनल में नहीं, नीचे वाले टर्मिनल में फ्यूज खोल के उसे उसमें तार लगा लेना है। वायर और फ्यूज़ दोनों लगा के एक बार चेक कर लें कि आपके गाड़ी में कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। टेंशन ना ले, शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका जो 10 एम्पियर का जो फ्यूज़ है वो उड़ जाएगा, आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होगा। सो सबसे पहले वायरिंग करने के बाद एक बार गाड़ी ऑन करके, बिना फिटिंग के गाड़ी ऑन करके चेक कर लें कि जो भी आपने कनेक्शन किया है वो सही है या नहीं। पूरी वायरिंग हो जाने के बाद तार को पीछे करके ऊपर से फ्यूज बॉक्स को अच्छा से लगा लेना है। सो वायरिंग हो जाने के बाद पूरे वायरिंग को अच्छा से जिप टाई से टाइट कर लें, और जिप टाई ना हो तो टेप से टेप करके कहीं पे अच्छा से प्लेस कर दें पूरे वायरिंग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल सी माई नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दी चैनल। टिल देन, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।